Hello and welcome to the tutorial of economics. So we were studying the ordinal approach to find the consumer equilibrium. तो हम लोग consumer equilibrium को study कर रहे थे और हम लोगों ने देखा इसमें दो approach है to find the equilibrium level of consumption of consumer. सबसे पहले एक बार फिर से revise कर लेते हैं हम लोग basic बात कि consumer equilibrium बोलने का मतलब क्या या फिर इस chapter में हम लोगों को पढ़ना क्या है. तो इस चैप्टर में हम लोगों को फाइंड करना है बेसिकली दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर एनी कंज्यूमर विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन. आप अगर एक कंज्यूमर हो, आप कहीं पे भी आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका बेसिक मोटिव क्या है? आपका बेसिक मोटिव है टू अर्न मैक्सिमम एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दैट यू कैन गेट फ्रॉम बाय फ्रॉम द एक्सपेंडिचर दैट वॉट एवर यू आर डूइंग. To get maximum satisfaction, simply हम लोग बोल सकते हैं to get maximum satisfaction. तो वो किस level of consumption में मेरे को ज़्यादा satisfaction मिलेगा या indirectly हम लोग किस level of consumption में ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग equilibrium में हैं. तो हम लोग उस level को find कर रहे थे या उस level को find करने के लिए इस chapter का study करते हैं. तो इस chapter में हम लोगों ने क्या देखा? दो अप्रोच है टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और द लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर अ कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द कंजम्पशन व्हाट एवर ही इज डूइंग. व्हाट आर द टू अप्रोच? द फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच व्हिच वाज गिवन बाय मार्शल एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच दैट इज गिवन बाय द हिग्स. इन कार्डिनल अप्रोच वी हैव स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन एंड वी फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन. एंड नाउ we are studying the ordinal approach where we are going to find out the consumer equilibrium from the concept of indifference curve and budget line. So we have seen the concept of or we have seen the basic concept of indifference curve and now today we are going to study about the budget line, that what is the budget line and how to determine the consumer level of equilibrium from the with the help of budget line and indifference curve. आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? आप बोल सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व. ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट. ओके, तो चलिए आज हम लोग अब बजट लाइन से स्टार्ट करते हैं अपना आज का कंसेप्ट या आज का लेक्चर. सो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक आवर माइंड इज दैट व्हाट इज बजट लाइन. बजट लाइन क्या है और इसके थ्रू कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है बजट. तो सिंपली अगर आपको बजट लाइन को डिफाइन करना है तो बजट लाइन क्या है? बजट का एक लाइन है. इसका बोलने का मतलब क्या है, इसको थोड़े और अच्छे से समझते हैं. इसका बोलने का मतलब ये कि कोई भी कंज्यूमर का एक बजट होगा जिसके तहत वो कंजम्पशन को कंज्यूम करेगा. और कंजम्पशन बोलने का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन बोलने का मतलब हम लोग दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑर्डिनल अप्रोच. हमेशा आपको याद रखना हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच से फाइंड आउट करने जा रहे हैं कंसेप्ट. तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये है सिंपली कि ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात जब हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में बात करते हैं तो कुछ बात जो कुछ चीज़ जो कॉमन हो जाती है वो ये है कि दो कमोडिटी का ही हमेशा हम कंजम्पशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, बजट लाइन बोलने का मतलब बजट का लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे एक फिक्स्ड बजट होगा उसके तहत हम लोग अलग अलग कंजम्पशन करेंगे. ये जो अलग अलग कंजम्पशन करेंगे उसी कंजम्पशन के लेवल को या जितना कंजम्पशन हम करेंगे उसको जब हम लोग बना देंगे डायग्राम के थ्रू सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन बजट लाइन. ओके, सो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग वर्ड के फॉर्म पहले समझते हैं, फिर हम लोग शेड्यूल के फॉर्म में देखेंगे और फिर एक ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू बजट लाइन. सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन दिस. सो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन. क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन या फिर जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल सा एक कर्व है, ठीक है, जो क्या बताता है, विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ से आपको देखना है जो कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है
of two commodities which can be purchased with given income and price. So alag alag combination which will be possible with the given income and the price of the commodity. So the curve which will represent the different combination, that curve will be called as a budget line. फिर से एक बार समझिए, what is budget line? Simple, आप देख सकते हो एक line है. Okay. Now the question is what this line will represent. So this line will represent the different possible combination which can be purchased of two commodity when the price of commodity is given and the income of the consumer is given. Let's suppose you are an consumer, your income is fixed. तो आप क्या करते हो, इस जो आपको income मिलता है उसका कितना portion आपको consumption में खर्चा करना है या expend करना है आप उसको फिक्स कर लेते हो. तो वो जो इनकम आपने फिक्स किया, और सपोज कीजिए इकोनॉमी में दो ही कमोडिटी है, क्योंकि यहाँ पे सपोज का बात आ जाता है, एज्यूम का बात आ जाता है कि इकोनॉमी में हमेशा दो ही गुड्स है. तो जब दो गुड्स है, आपके पास दो ऑप्शन है खरीदने का, या आपके पास दो अवेलेबल ऑप्शन है प्रोडक्ट जो आप परचेज कर सकते हो फॉर द कंजम्पशन. योर इनकम इज फिक्स्ड, सो देयर विल बी अ सर्टेन चांसेस दैट यू कैन बाय टोटल वन प्रोडक्ट. अगर दो प्रोडक्ट हम लोग एक्स मान ले और एक वाई मान ले, तो एक चांस क्या हो सकता है कि हम लोग टोटल वाई का कंजम्पशन कर दें, मतलब जितना मेरे पास इनकम है उसको हम पूरा का पूरा खर्चा कर दें सिर्फ एक्स को कंज्यूम करने में. एक पॉसिबल हो सकता है कि हम टोटल वाई में खर्चा कर दें या वाई को कंज्यूम करने में. ये जो हो सकता है, जो अलग अलग हो सकता है, बोलने का मतलब क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन या फिर अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन जो कि पॉसिबल है विद द गिवन इनकम. जब हम लोग उसको शेड्यूल के फॉर्म में देख लेंगे, उसके बाद जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जो कर्व पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताएगा वही कर्व बोला जाता है बजट लाइन. ओके, सो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, आप बोल सकते हो, या फिर सिंपल इतना रहने दो, कंजम्पशन का बात हो रहा है, ठीक है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी परचेज, जो कि खरीदा जा सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइस. ओके, सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द बजट लाइन. एंड वॉट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट बस इतना है कि जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम फिक्स है, तो वो अलग अलग कमोडिटी, बोलने का मतलब क्या, यहाँ दो कमोडिटी है उसी को अलग अलग बोला जा रहा है, तो वो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, और उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ग्राफ, जो कर्व आएगा, जो कर्व मिलेगा हम लोगों को, उसको बोलते हैं बजट लाइन. ठीक है, बजट का जो लाइन है, बजट को जो एक्सप्लोर करेगा, जो लाइन बताएगा क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अब देखिए, इसका हम लोग एक शेड्यूल बनाएं, कोई भी एक कंज्यूमर है, उसका इनकम हम लोग अभी छोटा सा एज्यूम किए हैं 60. अगर उसका इनकम जो कि वो 60 रुपी सोचा है एक्सपेंड करने पर इन फॉर कंजम्पशन, वो 60 रुपया खर्चा करना चाहता है एक्सपेंडिचर के रूप में या फॉर कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटी. देर इज टू कमोडिटी इन द इकोनॉमी, द फर्स्ट वन इज एप्पल एंड द सेकेंड वन इज मैंगो. इफ द प्राइस ऑफ एप्पल, लेट्स सपोज द प्राइस ऑफ वन एप्पल इज 2 rupees एंड द प्राइस टू कंज्यूम वन मैंगो इज 1 rupee. Now, the different combination or different combination of the consumption that will be possible for the apple and mango, we will represent through a schedule. जो अलग अलग consumption possible हो सकता है इस दोनों commodity का with the given income. What is the given income here? 60. So, we are going to represent that possible combination in the form of schedule. So, मेरा कितना था? Income कितना था? तो इनकम है मेरा 60. दिस इनकम इज विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, लेट्स नेम एप्पल एक्स कमोडिटी. प्राइस ऑफ एप्पल, वन एप्पल इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल दैट वी आर कंज्यूमिंग, प्लस प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ऑफ वाई इनटू द क्वांटिटी ऑफ द मैंगो दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम. अब इसी के थ्रू हम लोग एक डायग्राम या फिर सॉरी एक शेड्यूल बनाएंगे. मेरा इनकम कितना है? मेरा इनकम है 60. प्राइस कितना है? तो प्राइस मैंगो का एक यूनिट का कितना है? प्राइस एक यूनिट का है 1, इसका है 2. तो अब हम एक्स का और वाई का कितना वैल्यू रखेंगे कि हम लोगों का इनकम के बराबर या इनकम को, इनकम के इक्वेशन को फुलफिल करें,
उसी के थ्रू हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे। सपोज कीजिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे 20 रख दे, तो 20 20 इंटू 2 तो 40 हो जाएगा। 40 प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20 यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, मतलब इनकम के बराबर आ रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 20 एप्पल को कंज्यूम करे प्लस 20 मैंगो को कंज्यूम करे। तो देखिए हम लोगों ने एक शेड्यूल या फिर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसको बनाया है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, हो सकता है कि हम लोग इसको 40 और 20 कर सकते हैं, तो इसको फिर 40 कर दे तो, या फिर एक बेसिक क्या हो सकता है कि हम लोग इसको 0 कंज्यूम करें, तो उस अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, 60 हम लोगों को मैंगो कंज्यूम कर सकते हैं, या जो हम लोगों के पास पैसा बचा है उसमें 60 मैंगो कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये है। तो ये सब क्या है, ए बी सी डी, ये सब बोलने का मतलब कुछ नहीं, ये सब अलग अलग पॉसिबल कंजम्पशन का कम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल हो सकता है। कम्बिनेशन बोलने का मतलब क्या, एप्पल और मैंगो का कंजम्पशन का कम्बिनेशन जो कि एक इनकम बायर खरीद सकता है विद हिज गिवन इनकम, ठीक है। सो सिंपली अब इसी को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बजट लाइन निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। सो हम लोगों ने जो जिस शेड्यूल को बनाया था उसी के शेड्यूल के थ्रू हम लोग एक डायग्राम को बस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम लोगों को बजट लाइन मिल जाता है। तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ए लेवल ऑफ कंजम्पशन पे 0 एप्पल को कंज्यूम कर रहे थे, तो एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने एप्पल को रखा है। आप यहाँ पे कोई भी जनरल गुड्स गुड एक्स को रख सकते हो या कोई भी गुड्स को आप एज्यूम कर सकते हो। ऑन द वाई एक्सेस हम लोगों ने क्या रखा है, मैंगो को या फिर आप कोई भी गुड वाई कॉमन जनरल नाम आप उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एप्पल का कंजम्पशन ऑन द वाई एक्सेस इज 0, सो लेट द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस इज 60। सो इन दिस पॉइंट वी आर कंज्यूमिंग 0 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 60 यूनिट ऑफ मैंगो। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो बी कम्बिनेशन में क्या था, बी कम्बिनेशन में था 10 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 40 यूनिट ऑफ मैंगो। सो वी हैव शोन दिस इन द डायग्राम, हम लोग इसको दिखा दिए हैं कि 10 यूनिट हम लोग एप्पल का कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, या फिर कंजम्पशन पॉसिबल है जब हम लोगों का इनकम 60 है तो। फिर 20 पे हम लोगों ने दिखा दिया कि जब हमारा इनकम 60 है तो 20, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी है कि 20 हम लोग मैंगो को कंज्यूम करें और 20 हम लोग एप्पल को कंज्यूम करें। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब इनकम मेरा 60 हो, प्राइस ऑफ मैंगो मेरा 1 हो एंड प्राइस ऑफ एप्पल मेरा 2 हो। अगर इन तीनों में कोई भी चीज़ बदला तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन भी बदल जाएगा, और जैसे ही कॉम्बिनेशन बदलेगा तो जो हम लोगों को फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो आपको याद क्या रखना, व्हाट इज बजट लाइन, बजट लाइन इज सिंपली अ लाइन विच शोज और विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी पॉसिबल विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। सो दिस वॉज सिंपली द बजट लाइन एंड द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। आज हम लोगों ने बजट लाइन को कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे, फिर हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे। Thank you for watching this. I hope you guys like this. So if you like this, please subscribe this and share this.